बस कर दो, फोन ऑफ कर दो, कटाओ उसे। आओ फनी, ये सब इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा, अब तो शादी होगी। आजकल सब अपनी मर्जी से शादी करते हैं, और अभी मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है, और अब्बू की मर्जी से तो मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। क्या कहा तुमने? अम्मी खाने में क्या बनाना है? बेटा आलू गोश्त बना रही हूँ, तुम्हारे अब्बू कह के गए थे, आज तो दोपहर के खाने में देरी हो गई, तुम्हारे अब्बू इंतजार कर रहे होंगे, भूख में उनका ब्लड प्रेशर ही हाई हो जाता है। बेटा भाग के जरा धनिया पकड़ लो, धनिया मुझे साफ कर दो। अम्मी एक बात पूछूं आपसे? नहीं बेटा अभी नहीं। अम्मी प्लीज ना, जरूरी है। अच्छा पूछो। अम्मी अगर माहीन ने रिश्ते से मना कर दिया तो? वो मेरा मतलब है कि वो जिस तरह सामने आने से मना कर रही थी, तो हो सकता है उसे कोई और पसंद हो। क्या मतलब? माहीन पसंद करती है किसी को? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है, मतलब वो जिस तरह सामने आने से इनकार कर रही थी, तो इसलिए पूछा मैंने। समरीन, अगर ऐसी कोई बात है भी ना, तो इसे यहीं दफन कर दो, और माहीन को अच्छी तरह से समझा देना ये बात। लेकिन अम्मी, पसंद की शादी माहीन का हक है। इस घर में किसको क्या हक है, इसका फैसला सिर्फ तुम्हारे अब्बू करते हैं, और वो जबान दे चुके। बेहतर होगा कि अपने बाप की इज्जत का ख्याल करते हुए माहीन इस किस्म का कोई भी ख्याल अपने दिल से निकाल दे। जाओ जाके बिलाल को फोन करो कि खाना लेके जाए, जब तक वो आएगा खाना पक चुका होगा। जी मैं। शादी और तुम, वो भी उस माहीन से। शट अप हेना। ओके यार, मतलब सीरियसली अब तुम क्या करने वाले हो? पहले तुम हंस लो। अच्छा सॉरी, बोलो। वैसे भी अब तो तुम शर्त जीतने वाले हो। ये शर्त बहुत महंगी पड़ रही है। क्या हो गया है? बस कर दो, फोन ऑफ कर दो, कटाओ उसे। आओ फनी, ये सब इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा, अब तो शादी होगी। व्हाट? जैन देखो, तुम शर्त जीत गए, बस कर दो, खत्म करो ये सब। No way. अभी तो शुरुआत है। Just wait and watch, darling. Zen, चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? देखते जाओ। Okay. Thank you.
सैन ठीक कह रहा है, जब तक वो अपने घर में बात करेगा, पेरेंट्स को मनाएगा, मुझे किसी ना किसी तरह इस रिश्ते से इनकार करना ही पड़ेगा ताकि बात ज्यादा आगे ना बढ़े। किससे बात करूं, कौन है इस घर में मेरे दिल का हाल जानने वाला? अम्मी से बात करती हूँ। अम्मी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। देखो माहीन, अगर तुम ये कहना चाह रही हो ना कि तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो, तो मैं अपना फैसला समरीन को बता चुकी। लेकिन अम्मी, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं। आप तो माँ हैं, अपनी बेटी को क्यों नहीं समझ रही आप? माँ हूँ इसीलिए तो समझा रही हूँ कि अपने बाप के किए हुए फैसले की लाज रखो और वो गलती मत दोहराओ जो मैंने की थी। अम्मी, जरूरी नहीं है कि जो आपके साथ हुआ है वो सबके साथ होगा। आजकल सब अपनी मर्जी से शादी करते हैं, और अभी मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है, और अब्बू की मर्जी से तो मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। क्या कहा तुमने? अब्बू, ये वही करेगी जो आप कहेंगे। नहीं, ये वही करेगी जो आप कह रहे हैं। इसे कुछ और इसके मुंह पे नहीं, तुम्हारे मुंह पे पड़ना चाहिए था। नहीं अब्बू, नहीं, अम्मी का कोई कसूर नहीं, आप उनको कुछ भी नहीं बोलिएगा। इसका कोई कसूर नहीं है, कसूर मेरा है जिसने इसके साथ शादी की और सारी जिंदगी जो हमने मना ली। जैसी माँ वैसी बेटी। माफ कर दे, अम्मी, क्या हुआ, अम्मी उठे, अब प्लीज दरवाजा खोले। मेरी तरफ से मर जाए। अब्बू, अम्मी आंखें खोले। हसन भाई, अम्मी। मिस्टर ग्रूम टू बी। देखो, अगर तुमने ये बकवास करने के लिए फोन किया तो इस वक्त मैं बहुत मसरूफ हूँ और मीटिंग में हूँ। तुम्हारी ये बकवास सुनने का टाइम नहीं मेरे पास। ओह अच्छा, कौन सी इम्पोर्टेंट मीटिंग में हो बाय द वे, जितना भरम दिखा रहे हो? क्या आसपास कोई तुम्हारा न्यू टारगेट है जिसके आगे पैरों के दिखा रहे हो? आई मीन कोई लड़की, समथिंग लाइक दैट, है ना? खुदा हाफिज़। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? कूल डाउन हो जाओ। जल्दी बोलो, क्यों फोन किया है? कोई काम है क्या? काम? और तुमसे मुझे बस इतना पूछना था
कि माहीन नामा कहाँ तक पहुँचा? माहीन नामा बहुत जल्द अपने इख्तिताम को पहुँचने वाला है। And you don't worry, तुम बस अपनी हार के लिए तैयार हो। देख लो जैन, ये तो वक्त ही बताएगा। वक्त बताएगा और बहुत जल्द ही बताएगा। मेरी मोहब्बत माहीन के सर चढ़कर बोल रही है। देख लो, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, कहीं ऐसा ना हो माहीन की मोहब्बत तुम्हारा सर फोड़ दे। तुम शायद भूल रही हो, जैन का जादू इतनी आसानी से नहीं उतरता। तुम पर भी तो मेरा जादू असर करता है ना। वेरी फनी, जाओ एंजॉय योर डे। बाय। अरे इतनी देर सोती रही हूँ, दिन चढ़ गया है। या अल्लाह, उफ मेरा सर। अम्मी लेट ही रहे हैं आप, कोई जरूरत नहीं उठने की। बेटे तुम्हारे अब्बू को नाश्ता बना के दूँ ना, उन्होंने ऑफिस जाना है। अम्मी अब्बू को नाश्ता मैंने दे दिया है और वो नाश्ता करके ऑफिस भी चले गए हैं। ठीक है, अब आप जो है सिर्फ आराम करें और ये दूध पीजिए फौरन। मुझे क्या हुआ है बेटे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह आपको हमेशा इसी तरह ठीक रखे। डॉक्टर ने बोला है बस वीकनेस थोड़ी ज्यादा हो गई है, तो जब तक मैं आपको ना बोलूं आप बिल्कुल भी नहीं उठेंगी बिस्तर से, मुकम्मल आराम करेंगी। सारी जिंदगी तो आपने हमारा ख्याल रखा है, अब हमें भी मौका दें। हसन कहाँ है बेटा? अम्मी वो घर के काम से बाहर गए, आप लेटे रहे, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ, मगर दूध पूरा पीजिएगा। अच्छा। चलो जी, लगता है ये अपने हिटलर बाप के हाथों पकड़ी गई है। चलो हशकम जहां पाक जान छुटी। समरीन, समरीन क्या तुम्हें लगता है जो मेरे साथ हो रहा मैं उसकी मुस्तहिक हूं? मैंने तो सिर्फ अम्मी से इतना कहा था कि मुझे पढ़ना था, सिर्फ इतना कहा था कि मैं शादी नहीं करना चाहती। माहीन तो बहुत अच्छे से जानती है इस घर में अब्बू के फैसले के खिलाफ जाने का नतीजा क्या होता है और उनका सबसे ज्यादा जोर किस पर चलता है। तुम हमेशा अपने फैसले लेके अब्बा के आगे क्यों खड़ी हो जाती हो? समरीन मैं शादी नहीं करना चाहती। खुदा के वास्ते माहीन प्लीज बस कर दो, तुम्हारी वजह से ऑलरेडी अम्मी की बहुत शदीद तबीयत खराब है। अपना फैसला बदल लो, क्योंकि होगा वही जो अब्बू चाहते हैं। खाना मैंने रख दिया है, खा लेना। मेरी बात तो सुनो कि मेरा फैसला क्या है। क्यों इस तरह बंद करके रखा हुआ मुझे कैदियों की तरह? मैं तंग आ चुकी हूँ। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? खैर खैरियत ठीक ठाक? जी जी अल्लाह का बड़ा करम है। आप सुनाइए कैसे याद किया? सब खैरियत है ना? अरे नहीं, ये तो वाकई बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। आपका अपना घर है जनाब, जब जी चाहे तशरीफ लाइए।
جی بہتر بہتر اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ تیرا کسی بڑی بدنامی سے پہلے تو نے سبب بنا دیا شکر ہے تیرا مولا وعلیکم السلام ماں کہاں ہے تمہاری وہ ابو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو وہ کمرے میں آرام کر رہے ہیں میں آپ کے لیے کھانا لگا دیتی ہوں طبیعت ٹھیک ہے یہ سب بہانے ہیں ہمدردیاں بٹورنے کے بلاؤ اسے جی ابو بہت شوق ہے بھائی سے مظلومیت کا ٹھونگ رچا کیا ہوگا کل سے بستر میں بڑی آرام فرما جی آپ نے بلایا تھا کیا میں بلانے کی جسارت نہیں کر سکتا اور کیا آسمان گر پڑا ہے تم پہ کل سے بستر میں پڑی ہو میں تو اٹھ رہی تھی وہ بچے ہی نہیں تم اور تمہارے بچے میں تو شکل دیکھنے کے لیے نہیں بلایا یہ بتانے کے لیے بلایا ہے میں فیصلہ کر چکا ہوں اس جمعے کو ماہین کا نکاح جی نکاح اتنی جلدی کیسے مطلب میرا یہ فیصلہ اچھا اب میرے فیصلوں پہ بھی اعتراض ہوگا کان کھول کے سن لو میں نہ صرف فیصلے کر چکا ہوں بلکہ ان لوگوں کو بتا بھی چکا ہوں جمعے کو نکاح ہے اور اس سے کہہ دینا کہ خبردار کسی قسم کی کوئی بدمزگی نہیں ہونی چاہیے سمجھے اب اگر آرام کر دیا کھانا لگا جی